मुंबई कांग्रेस ने मोदी मुक्त भारत की दुआ मांगते हुए अजमेर शरीफ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में चादर भेजी है। मुंबई से अजमेर शरीफ चादर भेजते वक्त मुंबई कांग्रेस सदर संजय निरुपम ने मुल्क में फैल रही नफरतों के खात्मे और अमन के लिए दुआएं मांगी। वहीं मुंबई हज कमेटी के साबिक चेयरमैन हाजी इब्राहिम शेख ने यह कहा है कि राहुल गांधी अगले वजीर आजम बने, ये दुआ मांगते हुए अजमेर शरीफ चादर भेज रहे हैं। पूरे देश में अमन और शहर लाए और सबकी जिंदगी में जो तबाही आई है वो तबाही दूर हो। देश में जो मजहब के नाम पे भेदभाव करके लोगों को सताने का काम हुकूमत वाले कर रहे हैं, ऐसे हुकूमत को सुबुद्धि मिले और हमारे देश में मजहब और भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे कभी किसी दलित का, कभी किसी आदिवासी का, कभी किसी मुस्लिम का, कभी किसी गरीब का कोई नुकसान ना हो, उसको कोई सताए नहीं, उसे कोई प्रताड़ित ना करे, उस पे कोई जुल्म ना करे, ऐसी गुजारिश हम गरीब नवाज के चरणों में इस चादर के रूप में आप भेज रहे हैं।